मिरालम ईदगाह का कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हलके बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने जोनल कमिश्नर के साथ ईदगाह में इंतजाम का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द अज जल्द कामों को मुकम्मिल करें और मुसल्लियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, जिस पर अहदेदारों ने रुकन असम्बली को दिया तय खून। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान के हमरा जोनल कमिश्नर बल्दिया के अहदेदारों कॉरपोरेटर्स सरगरम मजलिस के कारकुनों के अलावा और भी दीगर लोग मौजूद थे। ईदगाह के ऊपर यहाँ पर मैं और मेरे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स जनाब एम ए गफ्फार साहब, जनाब एम ए अजीज़ साहब, जनाब मुबीन साहब और उसके साथ जोनल कमिश्नर GHMC और GHMC के सारे डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टाउन प्लानिंग सेक्शन, सारे ऑफिसर्स के साथ और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस, लाइन आर्डर पुलिस, ये सारे ऑफिसर्स के साथ आज मीरालम ईदगाह का तफसीली दौरा किया गया है। रमज़ान से पहले भी दौरा हो चुका था और कामा यहाँ पर दिए गया था। आज उस सारे कामों को मुकम्मल हुए या नहीं हुए वो सारा इंस्पेक्शन करने के लिए मेरे संगात पूरे ऑफिसर्स और कॉरपोरेटर और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के वर्कर्स मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है। GHMC, वाटर वर्क, इलेक्ट्रिकल और दीगर डिपार्टमेंटों की तरफ से माइनर वर्क्स थोड़े बाकी थे, वो सारे चीज़ों को आज बताया गया है और इंशाल्लाह ताला वो भी 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ईदुल्फितर के दिन जो आवाम यहाँ पर आएगी इंशाल्लाह ताला किसी को कहीं भी कुछ भी तकलीफ़ नहीं होनी। ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोशिश कर रही है, हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है और आपके चैनलों के ज़रिए मैं यही कहना चाहता हूं इन एडवांस ईदुल फितर की मुबारकबाद सारे लोग को देना चाहता हूं। शुक्रिया।